हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। लगातार हर बार कई बार यही खबर आ रही है कि 15 जून, 30 जून, 15 जुलाई, ये खबरें लगातार आ रही हैं। लेकिन इस बार जो 15 जुलाई तक आवेदन को लेकर जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। कारण जो है जेन्युइन लगा हमें, इसलिए आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो बटन दबा दीजिए, लाइक वाला पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे जो भी जानकारी हो आप लोगों तक पहुँच जाए। ये आज ही की खबर है, 9/7/2022 की। इसमें बताया गया है सीटेट जुलाई 2022 के नोटिफिकेशन में इतनी देरी होने का कारण सामने आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीटेट जुलाई 2022 के नोटिफिकेशन में देरी का सबसे बड़ा कारण सीबीएसई की टेक्निकल टीम है। इसमें बताया क्या गया है, सीबीएसई की टेक्निकल टीम। अगर पूरी खबर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, आप लोगों को लगता है कि हम सीधे पूरी खबर पर ही पहुंच जाएं, पढ़ लें, तो वीडियो को लाइक करके सीधे जाके कमेंट बॉक्स में चले जाइए। कमेंट में हमने लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाके आप क्लिक करके लिंक पर सीधे जाकर खबर पढ़ सकते हैं। वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लिंक पर जाके सीधे पढ़ सकते हैं। तो ये खबर जो सीधी सीधी अगर हम आसान शब्दों में कहें तो इसमें बताया ये गया है कि जो कारण है वो है टेक्निकल टीम। यानी पिछली बार परीक्षा ऑनलाइन हुई थी और जब परीक्षा ऑनलाइन हुई तो काफ़ी खामियां रह गई थी। पेपर के रिजल्ट से लेकर पेपर कंडक्ट कराने तक सारी चीज़ों में बहुत दिक्कत हुई थी, इसलिए टेक्निकल टीम ऐसा प्रयास कर रही है कि इस बार कोई खामी ना रहे। तो यानी कि पूरा का पूरा जो सीबीएसई की टेक्निकल टीम है, जिसके द्वारा सर्वर का कार्य किया जा रहा है और उन्हीं की वजह से सीटेट जुलाई 2022 की नोटिफिकेशन लेट हो रहा है। लेकिन अब टेक्निकल टीम बहुत जल्द हरी झंडी देने वाली है, यानी टेक्निकल टीम जो है वो हरी झंडी अब जल्द देने वाली है, क्योंकि सारा काम लगभग कंप्लीट हो चुका है ऐसा बताया जा रहा है। तो दोस्तों अब आप लोग तैयारी पर लग जाइए, क्योंकि अब आप लोगों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों को मालूम है आवेदन से लेकर परीक्षा की तिथि के बीच का समय 3 माह का होता है, इसलिए अब आप लोगों को तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि परीक्षा के सिलेबस से लेकर हर चीज़ में काफ़ी अब मॉडिफाई हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, पेपर थोड़ा लेवल टफ आ रहा है, इसलिए आप लोगों को तैयारी अच्छी करनी होगी। अगर आप लोग 110 115 की तैयारी करते हैं तब आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि 90 की तैयारी करके आप लोग ज़्यादातर फेल ही हो जाते हैं। यानी आप लोगों को 100 प्लस की तैयारी करेंगे तब 90 का सोचिएगा, यानी 10 से 15 नंबर आप ऊपर लेकर ही चलेंगे तभी, क्योंकि 2 4 5 नंबर कम ज़्यादा कब हो जाएंगे आप लोगों को मालूम भी नहीं चलेगा। तो चलिए, जानकारी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को उम्मीद है। उसके साथ ही पूरी खबर के लिए कमेंट बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर पढ़ लीजिएगा सीटेट से जुड़ी पूरी खबर। और तैयारी करने के लिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, जल्द ही क्लासें शुरू होंगी। जैसे ही आवेदन आप लोगों के शुरू हो जाएंगे, वैसे ही जो अगर सिलेबस बदलाव होता है तो सिलेबस के आधार पर जो चीज़ें हैं कंप्लीट पीडीएफ के साथ आप लोगों को शेयर कर दी जाएंगी। तो चलिए, इस खबर पे यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने और अपनों का ख्याल रखिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद।